anthology, some stories are there. What is your story? Tell us something about that. My story is called My Beautiful Wrinkles, and it features Sarika in the lead, and it's a story about a woman who's in her fifth, she's middle-aged, and it's sort of her coming-of-age story and how she feels when a young man declares his love for her and how that sort of changes her life. All these six characters are there and you are one of them, so how blessed you are that you are working with all the esteemed characters and with one of your stories. Well, I'm very excited, and it's an honor and a privilege to be part of Modern Love, especially because I love the American version as well. And yeah, I think we have a really wonderful team of directors, and it's very exciting, to be sharing that space with them. So I'm very happy, and very proud. Other than your story, which one of the stories did you like the most? Well, actually, I'm just like everyone else, I'm waiting to see the other stories. Rongita and Ishita have kept us, kept everything very secretive amongst the different films. So actually, the filmmakers haven't seen each other's films. So I think that's the reason that all the filmmakers are very excited about today's screening, because of course everyone's seen their own films, but they haven't seen the other films. So I'm very excited to see the whole show. What will be the USP of your film? What the audience would love to see in your film? I think it's love. Sarika is like an amazing, amazing actor, and I think it's wonderful to see her on screen after a while. And I think it's very important to see stories of women who are, in their 60s, and to see that they too can experience love and romance and all the confusion that comes with it, and they still have like many, many more chances at happiness. Thank you. पकड़ना पड़ेगा मुझे नहीं नहीं रिसिक फर्स्ट ऑफ ऑल टेल अस व्हाट मेड यू डू दिस फिल्म व्हाट किक्ड यू अबाउट दिस फिल्म मुझे तो लगता है कि मेरी खुशनसीबी है कि मॉडर्न लव जैसा एक स्टोरी टेलिंग ब्रांड जो है जो पहले भी बन चुका है हैज कम टू इंडिया एंड आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ इट तो इट वॉज वेरी सिंपल फॉर मी मैं मॉडर्न लव का फ़ैन हूँ पहले भी रह चुका हूँ और जैसे मुझे पता चला कि ध्रुव सहगल एक फिल्म बना रहे मसाबा के साथ और मुझे अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है उसमें होने की इट वॉज ईजी फॉर मी वो सुन के मैं बड़ा खुश हुआ और अपने आप एक्सेप्ट हो गया इस प्रोजेक्ट में तो जिस कहानी का मैं हिस्सा हूँ दैट स्टोरी इज़ कॉल्ड आई लव थाने जो ध्रुव सहगल ने बनाया एंड माई पार्ट इज़ कॉल्ड पार्थ एंड पार्थ इज़ अ टाइमलेस गाय वो एक ऐसा इंसान है जो आज के ज़माने में हमारे जनरेशन से है बट उसकी अंडरस्टैंडिंग उसका आइडिया ऑफ लव उसका आइडिया ऑफ लिविंग हर ज़माने का है ना वो पुराने ज़माने का है ना आज के ज़माने का है ना कल के ज़माने का है सो आई एम द टाइमलेस गाय थाने में मैं एक्चुअली 2 साल की उम्र से लेके 5 साल की उम्र तक मैं थाने में था 8 साल की उम्र तक एक्चुअली और तो मेरा बचपन वहीं पे गुजरा है और ये मेरी खुशकिस्मती है और लक है कि ये कहानी जो मुझे मॉडर्न लव मुंबई में मिली वो थाने के बारे में ही है और जो किरदार मैं प्ले कर रहा हूँ वो थाने से है तो ऐसा लगा कि एक सर्कल ऑफ लाइफ हो गया और वापस आ गए अपनी घर पे ऐसी कौन सी जगह है थाने में जो आपको अभी भी अच्छी लगती है कौन सी डेस्टिनेशन है थाने की कुछ ऐसी साकेत जो सोसाइटी है और जहाँ पर हम रहते थे तो वो एरिया मैं हमेशा याद रखूँगा क्योंकि वहाँ पर मेरे सारे दोस्त थे मेरा बचपन लिटरली वहीं पे गुजरा है तो वो मेरा आई थिंक फेवरेट एरिया है थाने में मसाबा इज फैंटास्टिक आई वेंट विद जीरो एक्सपेक्टेशंस और जैसे ही पहले सीन किया उनके साथ तो मुझे ऐसा लगा कि देखिए ये पूरी दुनिया जानती है कि बहुत ही उम्दा डिज़ाइनर है
आज मुझे भी पता चलेगा कि बहुत ही उम्दा एक्टर है, और आप जब खुद देखेंगे मॉडर्न लव आई लव थाने तो आपको खुद को भी पता चलेगा कि एक्चुअली मसाबा के खून में जो एक्टिंग है वो उनमें बहुत अच्छी तरीके से भी है। आई थिंक एवरीबडी शुड वॉच द एंटायर शो एंड एवरी फिल्म इन इट, 6 कहानियाँ हैं, बट वाई स्पेशली आर स्टोरीज, बिकॉज हमारी स्टोरी जो है आई वुड लाइक टू बिलीव एक बहुत ही सिंपल, एक बहुत ही ऑर्गेनिक स्टोरी है जो आज के जो यूथ है वो अच्छी तरीके से उसे कनेक्ट कर पाएगी। एंड आर स्टोरीज ऑफ टुडे बट इज टॉकिंग अबाउट इमोशंस ऑफ ऑल जनरेशंस, तो वही सबसे इंटरेस्टिंग बात है हमारे बारे में। थैंक यू ये तो देख के ही पता चलेगा अभी स्टोरी कैसे बताते, बट एक्चुअली नीलेश ने क्रिएट किया ये स्टोरी राज रानी, तो वो थोड़ा बोल दे इसके बारे में। सर जी, आप जब स्टोरी लिख रहे थे तो आपके दिमाग में क्या था और किस प्रकार की स्टोरी है? सर ये कहानी खुद की एक खोज की है, सेल्फ लव की है, और मॉडर्न लव एक ब्लॉग है न्यूयॉर्क टाइम्स का, सो वी अडैप्टेड दैट इनटू बॉम्बे सिटी, मुंबई शहर में एक न्यूयॉर्क की कहानी को बसाने की कोशिश है, पर बहुत कुछ कहने की कोशिश है थ्रू द स्टोरी ऑफ सेल्फ लव। तो फातिमा सना शेख बिल्कुल ये फिल्म पे इतना माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दिया कि मैं क्या कह सकती हूँ, वो इतना हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड और कमिटेड एक्टर है। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, हमने जब टेक रेकी के लिए गया वो उस पे आई, वो झुग्गी पे फ्लोर पे बैठी चुपचाप से, ऐसा कोई स्टार ट्रीटमेंट नहीं था उसका, बिल्कुल कैरेक्टर के अंदर घुस गई और इतना सुंदर से अपना सारा इमोशंस दिखाया, ऑथेंटिक एंड अमेजिंग रियली। और प्रीमियर पे ही नहीं आई क्योंकि अभी दूसरा शूट कर रही है। क्या कमाल है यार, वी मिसिंग हिम, वी मिसिंग यू फातिमा। सर आप जब लिख रहे थे ये कहानी तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था इस कहानी को देखिए और कैसे आपने लिख दिया? जहाँ तक हमें पता है थोड़ी कश्मीरी की कहानी है, क्या थोड़ा बहुत बताएं कि आप दर्शकों को थोड़ा बना भी रहे? यार जब भी हम किसी कश्मीरी कैरेक्टर की कहानी बोलते हैं ना तो उसके साथ बहुत कुछ ऑब्वियस सा एक बैगेज होता है। हमने एक कश्मीरी कैरेक्टर की कहानी बम्बई शहर में ऐसे दिखाई है कि ये शहर सबका है, यहाँ सब लोग आके बसते हैं, शहर अपना लेता है उनको, तो विदाउट एनी पॉलिटिकल बैगेज, बट एक इंसान की कहानी कि आप उस कश्मीरी कैरेक्टर को बतौर इंसान पहले देखें, बाद में बाकी सारी बातें हैं। सर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई एक ऐसा शहर है जो जो है बहुत लोग बिजी रहते हैं, यहाँ पे आपको लगता है कहीं ना कहीं डाउन करने का टाइम मिलता है? लव करने का टाइम, बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन यही तो बॉम्बे में सबसे इंटरेस्टिंग है कि इतने अलग अलग किस्म के लव्स होते हैं ना, जो जैसे शायद कोई गांव में ना हो, तो इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन, यू नो गे, सब कुछ, ये सबसे कॉस्मोपॉलिटन शहर है इंडिया का, तो मॉडर्न लव जो मॉडर्न है, जिस तरह का लव है वो आई थिंक मुंबई शहर में सबसे ज़्यादा हम देख पाते हैं, टाइम हो या ना हो लोग निकाल लेते हैं। कहते हैं ना कि बम्बई जो है इट ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ यू, तो लव भी यहाँ पे बहुत एफिशिएंट हो जाता है, लोग टाइम निकाल ही लेते हैं। आज स्पेसिफिकली और मॉडर्न लव, आज स्पेसिफिकली बहुत फील गुड है, यू नो आजकल इतना यू नो क्राइसिस होता है, टेंशन, स्ट्रेस, ये फिल्म देख के ना लोग को लगेगा कि मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ, मैं भी कोई भी ब्रिज पार कर सकती हूँ। अब अगर आप देख, आपको लगेगा अपने लाइफ में ऐसा कुछ है जो हम सोच नहीं पा रहे कि क्या करें, ये फिल्म देख के वो साहस आएगा। थैंक यू। देखिए बहुत एक्साइटेड, देखिए बहुत एक्साइटेड हूँ, एक्साइटेड इसलिए भी हूँ क्योंकि लाइफ में धीरे धीरे आगे आगे कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, वरना हम खुद को स्टक महसूस करते हैं, और वो अनस्टक होने वाली जो फीलिंग है वो ये फिल्म भी आपको देने वाली है, मैं इसलिए भी एक्साइटेड हूँ। बट ओवरऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड हैप्पी कि हंसल सर जैसे डायरेक्टर के साथ और प्रतीक जैसे को स्टार के साथ अपना डेब्यू करने का मौका मिला। आई कुंड वास सो मोर। सर टॉकिंग अबाउट योर रोल्स, इट इज अ गे पार्टनर, व्हाई यू इनहैबिटेड रोल्स आफ्टर योर
देखिए देखिए एक मामूली देखिए अगर एक ये मामूली हीरो का रोल होता तो शायद मैं करता भी नहीं। आई थिंक मुझे इस रोल में इंटरेस्टिंग यही लगा कि ये एक गे लीड का रोल है और वो शेफ है, और आई थिंक कहीं ना कहीं अगर हम एक शेफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हर फॉर्म में शेफ को रिप्रेजेंट करने का करेज हमारे अंदर होना चाहिए। और हंसा सर ने जिस तरह से कहानी बांधी है तो जो खाने की मोहब्बत है, द लव फॉर फूड इज द प्राइमरी ड्राइवर इन माई लाइफ, और वो वैसे भी रहा है, तो इसलिए बहुत आसानी से उस मोहब्बत को इधर या इधर ट्रांसलेट करना जो है बहुत आसान हो गया। एक भी हंसल सर ने एक भी क्लास नहीं ली, एक भी वर्कशॉप नहीं ली, उन्होंने बोला रणवीर बस तुम्हारी आंखों में मोहब्बत दिखनी चाहिए बस। ओ प्रतीक सर फैसिनेटिंग कोस्टार, मुझे उनके साथ एक दो दिन मैंने पहले काम किया था और एक अंडरस्टैंडिंग थी, और मैं और प्रतीक हमेशा ये कहते थे कि हमको सीन से पहले एक दूसरे से बात नहीं करनी पड़ती थी, एक फाउंडेशन हम दोनों की एज स्ट्रगल उसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, तो इस वजह से एक फाउंडेशन ऑलरेडी बन गया था जिसके ऊपर फिर परफॉर्मेंस हमने बेस किया। आई थिंक हमारी जो कहानी है बाई, उसका USP जो है वो ये है कि किस तरह अलग अलग किस्म की मोहब्बत अल्टीमेटली एक साथ जुड़ जाती है, चाहे वो मोहब्बत खाने की हो, चाहे वो दादी के पोते के लिए मोहब्बत हो, चाहे वो यू नो दो लोगों की उनके लिए मोहब्बत हो। आई थिंक इट्स अ कन्वर्जेंस ऑफ लव इन मैनी फॉर्म्स एंड इट कम्स टुगेदर इनटू दिस ब्यूटीफुल सिंपल इमोशन, दैट्स अबाउट इट। थैंक यू। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, आई क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद ऑफकोर्स वंस इट गोज ऑन स्क्रीनिंग एवरीबडी विल वॉच इट ऑन द स्क्रीन्स, बट स्पेसिफिकली फॉर अस, स्पेसिफिकली वो जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, हम सब इसे बड़े स्क्रीन पे देखने वाले हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी द बिग डिफरेंस, एंड आई एम एक्चुअली वेरी नर्वस, आई डोंट नो व्हाई, आई एम एक्साइटेड बट आई एम नर्वस। आई फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई बीन वेरी वेरी लाइक एक्साइटमेंट, तो बहुत छोटी सी छोटा सा वर्ड है, आई वॉज एक्चुअली वेरी आई डोंट हैव द वर्ड्स टू एक्सप्लेन वॉट माई फीलिंग वॉज वेन विशाल सर कॉल मी, बट आई एम जस्ट वेरी वेरी हैप्पी दैट ही हैज़ टेकन द चांस टू टेल अ स्टोरी लाइक दिस, एंड उससे भी ज़्यादा मेरी किस्मत तो मतलब खिली गई है कि अगर मुझे ऐसा एक कहानी का हिस्सा बनने का मौका मिला है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर इट। सी द अडेप्टेशन इज़ पार्ट ऑफ वॉट मॉडर्न लव इज़, आपकी सारी US की जो फर्स्ट जो सबसे पहले आई थी उसमें भी सारी स्टोरीज अडेप्टेशन ही थी, एंड आई थिंक वॉट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग यहाँ पे कि किस तरह से आप उन स्टोरीज को लें और वो जो बेसिक्स हैं आप उनको रखें, लेकिन एक इंडियन सिनेरियो में स्पेसिफिकली मुंबई स्पेसिफिक आप उसको कैसे बनाएं, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी ये आसान नहीं होता है, बिकॉज वी टेंड टू सी कि जब अडेप्टेशंस होते हैं कभी कभी फ्रेम टू फ्रेम कॉपी हो जाता है, कभी कभी आप अपना जो नज़रिया है जो देसी नज़रिया वो नहीं आता है, सो आई थिंक दैट टू हैपन आउट हियर वॉज ग्रेट वन। सेकेंडली विशाल सर ने मुझे एक बहुत स्पेसिफिक बात कही थी, इस है कि अगर आप इस कहानी का ढांचा देखें तो ये किसी भी कम्युनिटी का हो सकता है, ये गुजराती बंगाली मराठी किसी भी कम्युनिटी का हो सकता है, बट ही वॉन्टेड टू मेक इट अबाउट द इंडियन चाइनीज़ कम्युनिटी, एंड फॉर दैट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल कि वो मौका मुझे मिला। रिलेटिविटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि द कैरेक्टर इज़ वेरी मच लाइक मी, ही इज़ समबडी हु इज़ ही वॉन्ट्स टू बिकम अ सिंगर, ही वॉन्ट्स टू ही यूज़ टू बी अ डेंटिस्ट लेकिन वो छोड़ के अभी सिंगिंग में आ गया है, और उसकी क्या फैमिली में क्या बातें चल रही है, कहाँ मम्मी उसकी किस तरह से उसको लाइक एवरी मम्मी उसके बारे में वरीड हैं, शी इज़ वरीड अबाउट द कल्चरल कनेक्शन दैट इज़ देयर, एंड इसलिए रिलेटिबिलिटी बहुत है, बट एट द सेम टाइम बहुत कुछ ऐसा भी है जो वर्क करना पड़ा है जिसके लिए, लॉट ऑफ इमोशंस हैड टू बी ब्रॉट इन, एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम इन द राइट हैंड्स। मामिका इज़ अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर एक्चुअली, इट्स रियली गुड टू वर्क विथ हर बिकॉज शी ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एनर्जी,
एंड मैं उनको गब्बी जी बोलता हूँ, मैं वामी का नहीं कहता उसे, मैं गब्बी जी कहता हूँ, गब्बी जी आप बहुत खूब हो, बहुत अच्छे हो, आप अपनी आँखों से बहुत बातें करते हो, एंड इट्स बीन ग्रेट टू हैव हर बिकॉज सर हैज़ अ लॉट ऑफ फेथ इन हर, एंड जब मैं उनसे मिला सेट पे एंड उनके साथ एक्टिंग की तब उन्हें पता चला कि दैट फेथ वॉज वेल प्लेस्ड. फैंस को बस ये कहूँगा यार थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट दैट हैज़ बीन देयर थ्रू आउट. आई नो अ लॉट ऑफ यू हैव बीन आस्किंग कि अगर मैं अच्छा काम कर सकता हूँ तो मैं और क्यों नहीं कर रहा हूँ. वेल होपफुली दिस इज़ वन ऑफ दोज रियली गुड थिंग्स दैट यू विल लाइक एंड मे इट बी द बिगिनिंग ऑफ मेनी मोर. थैंक यू. थैंक यू के बारे में बताइए, क्या स्टोरी है आपकी? मेरी फिल्म की कहानी का नाम है कटिंग चाय, जो अरशद वारसी के साथ है, और एक लतिका मेरा कैरेक्टर है, और ऐसी लड़की की कहानी है जो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसने अपने आप को पीछे छोड़ दिया है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बच्चे हैं, घर है. सो एक तरह से वो दिन उसका एक रिग्रेटफुल सा डे है, जहाँ उसको लगता है कि शायद अगर मैं इससे शादी करी होती या वो ब्रेकअप नहीं हुआ होता या फिर मैं वहाँ गई होती तो मेरी लाइफ अलग होती. सो ये एक ऐसी दिन की कहानी है. आपने क्यों ये स्टोरी आपने चुनी? और क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न स्क्रिप्ट था, क्योंकि एक बहुत ही सिंपल और साधारण तरह से एक बहुत ही खूबसूरत कहानी को कहा गया है, जो एक ऑर्डिनरी लाइफ होती है उसको, जैसे मतलब मैं उनका नाम काफ़ी इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन जैसे ऋषिकेश मुखर्जी करते थे, यू नो, एक सिंपल सी कहानी कहते थे खूबसूरत तरीके से, वैसी ये कहानी है जो आजकल बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है, वैसी स्क्रिप्ट्स. सो अमेज़न की बात की जाए या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए तो बहुत सारी जो है फिल्में जो है आ रही हैं और बहुत सारी व्यूअरशिप बढ़ रही है. नहीं, आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर वो कॉन्टेंट पर ध्यान देते हैं एंड कॉन्टेंट इज़ द हीरो, जो मुझे लगता है Amazon Prime is some place, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा कंटेंट को बैक कर रहे हैं, अच्छे फिल्म मेकर्स को बैक कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई दैट्स द किंग. आई थिंक कंटेंट इज़ द किंग. सो या अरशद इज़ अमेजिंग. अरशद जी पहुंच गए हैं, थोड़े से लेट हैं, देयर ही इज़. ओके, सो लवली वर्किंग विद हिम. बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, बहुत एफर्टलेस हैं, और कॉमिक टाइमिंग हम सब लोग जानते हैं. He's right here. Arshad, come say hi. Hello, people. This is Hello, my husband people. In the film. Danny, say hi. And look at my wife. Gorgeous as hell. They were like, कैसा लगा आपको काम? आपको कैसा लगा मेरे साथ काम? आप जानना चाहेंगे कि कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा. मुझे चित्रनंदन यहाँ पे बुलाई सिर्फ उसकी तारीफ करने के लिए. बहुत अच्छा लगा. Lovely person, lovely actor, enjoyed myself. Same here, ditto. Thank you so much. Sir, इस कहानी के बारे में बात बताइए. इस कहानी के बारे में बताइए आपको कैसा? अरे मैं क्या बताऊँ, एक ज़िंदगी की कहानी है, एक लड़की की कहानी है, जिसकी होता ना कि हर इंसान सोचता है काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो किया होता. देखो जिस तरह की बातें हैं जो किरदार है इसका चित्रांगदा का, उसके दिमाग में चलती है बातें. स्लाइस ऑफ लाइफ. सी आई टेल यू समथिंग, वो अडेप्टेशन आई अंडरस्टैंड, बट द फैक्ट इज मैंने कहानी सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी. इट्स बेसिकली अ फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट, बट मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत प्यारी लगी कहानी. और आज माई नॉट, अच्छी चीज़ें करना चाहिए लाइफ में. सर आपको कौन सा सीन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? ओह बॉय, कौन सा सीन? हम लोगों के सीन, आई थिंक एक मरीन लाइन्स पे है, बड़ा अजीब सा हमारा एक कॉन्वर्सेशन होता है और फिर हम लोग निकल जाते हैं पैदल मरीन लाइन. बहुत प्यारा है. तो मैं नहीं, आई थिंक ऑल ऑफ देम हैव देयर स्पेशलिटी. अरे और कुछ? हाँ Yeah.
लेकर आए हैं आप इस टाइम? कहानी अलग से ज़्यादा कहानी बड़ी मज़ेदार है, और ये एक माँ बेटे के रिश्ते की कहानी है, कैसे माँ पदस्थित हो जाती है बेटे के लिए और कैसे एक ये रिश्ते में दरार आती है और कैसे साथ में आते हैं। ये न्यूयॉर्क के एक आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कि मैंने जो इंडिया में ख़त्म होती हुई इंडो चाइनीज कम्युनिटी है उसके अंदर इसको प्लेस किया। जी नहीं, क्योंकि वामिका बहुत अच्छी एक्टर है और चैंग भी बहुत अच्छे एक्टर है, चैंग बहुत अच्छा सिंगर है। इसमें एक और बहुत बड़ी एक्टर है सिंगापुर से जो आई हैं, उन चाइनीज ओरिजिन की हैं, उनका नाम है यो यान यान, बहुत ही खूबसूरत एक्टर हैं और तीनों की परफॉर्मेंसेज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। थैंक यू। खुश हूँ क्योंकि ये बहुत ही कमाल की सीरीज है, हम लोग हिस्सा बन रहे हैं मॉडर्न लव। आई थिंक ऑलरेडी इसकी चर्चे पहले से अमेरिका के अंदर थे और अभी ये भारत में बन रही है। 6 कमाल के डायरेक्टर्स, अच्छी एंसेंबल कास्ट, इतने कमाल के म्यूजिक कंपोजर्स, सिंगर्स, एक्टर्स, राइटर्स। आई थिंक ये मेला है, एक कमाल का मेला है और मैं इसका हिस्सा हूँ। आई थिंक इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी हियर एंड थैंक यू सो मच। सर, ये स्टोरी कैसी स्टोरी है? ये एक प्यार जो होता है वो सिर्फ किसी एक इंसान दूसरे इंसान से नहीं कर सकते, कई बार आपका सेल्फ लव, खुद को प्यार भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो ये कहानी है स्पेशली रात रानी जो इसका मैं हिस्सा हूँ, वो सेल्फ लव के ऊपर है। तो फातिमा है, मैं हूँ, बाकी आप फिल्म में सबसे बड़ी बात है प्यार, जो फिल्म में भरपूर है। और कई बार प्यार के अलावा आपका सेल्फ लव, खुद को लेके प्यार, या जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं ना तो आप दूसरों से भी प्यार करना स्टार्ट कर देते हैं। लोग इससे सेल्फ लव की एक तरह की मोटिवेशन लेके जाएंगे, आई होप। थैंक यू, थैंक यू। Yo, 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 yo